हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका साइंस टीचर कमलेश्वर। बच्चों, हमने 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और इसमें हमने पार्ट वन इसमें डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसमें हमने बैलेंसिंग और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, इस तरीके से हमने देखा था। इसमें बैलेंसिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कराया गया है। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, और साथ साथ यहाँ पे ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, द बेसिक रिएक्शन बिटवीन टू केमिकल्स और टू सब्सटेंसेस टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन हमने देखा था, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं, ये होती हैं हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जो पांचवी है वो है हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, इनको डिटेल में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टिल फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, कहीं पे भी आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स लिख सकते हैं। साथ साथ आपको समझाता हुआ चलूंगा, पूरे नोट्स आप लिख सकते हैं एज इट इज एज अ क्लासरूम आपको लगेगा। तो बस बने रहिए, थोड़ा सा फोकस्ड रह के इसको देखिए तो अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, देखिए केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह ना लेके इंग्लिश की तरह लें तो बहुत आसान लगेगा हमें। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का कंबाइन हो जाना, कॉम्बिनेशन का तो यही तो होता है। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में यही है इसका, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जुड़ जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाने के लिए आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। मतलब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इफ़ ए कंबाइंस विद बी टू गिव अ प्रोडक्ट सी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब हमारे कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले रखा है, हमारी पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी एक्टिविटी 1.1 की है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो वेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड तो क्या होता है, वहाँ पे ये जो Mg है मैग्नीशियम रिबन का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए ये जो रिएक्शन कहलाएगी आपकी क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, सेम वही कि भाई दो रिएक्टेंट थे हमारे पास और क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों ही केस की बात करें तो तीनों ही केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो एक 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 हैं, मतलब एक प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे मोल्स की बात नहीं कर रहे और वो तो आपके मतलब कभी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल बात करते हैं कि ये दो तरीके के रिएक्टेंट हैं हमारे पास, एक मैग्नीशियम है एक ऑक्सीजन है, तो रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, दूसरे वाले में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो कंबाइन करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, तीसरे वाले में कार्बन है और ऑक्सीजन है, कंबाइन करके क्या बनाता है, CO2 बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारे तीन एग्जांपल्स हो गए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये रिएक्शंस हम दो तीन बार और पढ़ेंगे अभी जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे 10th की केमिस्ट्री में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम और क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर। विग्रेसली का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत तेज टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। ये नाम बहुत ज़रूरी है कि क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास ये कहलाता है हमारा लाइम या फिर क्विक लाइम। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ये लाइम या फिर क्विक लाइम, और जो ये बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कहलाता है हमारा स्लेक्ड लाइम। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आपके ये भी आता है कि क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम के हम जब रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाता है, स्लेक्ड लाइम बनाता है, जो कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आई होप बात समझ में आ रही है, CaO प्लस H2O विल फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस विच इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ड लाइम। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ये है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक बहुत ज़्यादा हीट क्या होता है इसमें से बाहर निकलती है रिएक्शन में,
और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हीट की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैंने बताया था आपको, दो बीकर्स लेके, तो वो रिएक्शन भी आप देखिएगा। और यहाँ पे हम हीट बाहर निकलने का मतलब यह है कि रिएक्शन कैसी है हमारी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे पता, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत डिटेल में मैं ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिस्कस करूंगा, साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी तो ये जो रिएक्शन है क्या होगी, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो गया होगा। तो आइए चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों कॉम्बिनेशन के बाद अगला टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। वैसे अगर बात करें डिकम्पोजिशन की तो वर्ड आपने सुना होगा, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन सबने पढ़ा होगा। जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था बच्चों, कंबाइन होना, वैसे डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है आपका, टूटना। डिकम्पोजिशन का बेसिक मतलब क्या होता है, टूटना, कि कैसे टूटेगा। तो क्या है जाएगा, दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स, स्प्लिट्स माने ब्रेक हो जाना, टूट जाना, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। क्या होता है, जो हमारे पास एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाए, इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस टाइप की जो रिएक्शन कहलाएगी वो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे हमने कॉम्बिनेशन में क्या देखा था बच्चों, कॉम्बिनेशन में देखा था ए प्लस बी गिव्स सी। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम कह सकते हैं सी इफ सी गिव्स, ये कॉम्बिनेशन था, ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इफ सी गिव्स ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपका एक सब्सटेंस आपका टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा तो उस टाइप की रिएक्शन कहलाएगी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। यहाँ हमें देख भी पा रहे हैं कि ए और बी मिलकर जब सी बना रहे थे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारी, ये इस रिएक्शन की जस्ट उल्टी है, रिवर्स है। दैट मीन्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि उसका उल्टा कर देंगे तो हमें डिकम्पोजिशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बच्चों जो CaCO3 है, यह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और जो CaO है यह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, लाइम और क्विक लाइम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन एज इट इज आता है कि भाई अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा वहाँ पे कि हम किसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, किस कलर का बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी और थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें एक डिटेक्ट करने को भी आता है कि हम में कोई कंपाउंड दे रखा हो, अगर मान लो अगर आपको कोई कंपाउंड दे रखा हो और आपसे ये पूछा जाए कि भाई हमें पता लगाना है कि ये CaCO3 है या नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे वहाँ पे, हम उसमें CO2 पास करेंगे, दैट मीन्स हम फूक मारेंगे उसमें। और जब उसमें फूक मारेंगे तो पता है कि हमारी जो फूक में गैस होती है वो क्या होती है, CO2। दैट मीन्स वो सब्सटेंस होगा वो CaO रहा होगा, तो जब CaO और CO2 में मिलाएंगे तो बनना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। और हमें पता कैसे चलेगा, एकदम से वो सॉल्यूशन वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हम उल्टा रिएक्शन भी करके हम प्रेजेंस पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है या नहीं है। तो अगर हमें पता लगाना है कि किसी में कैल्शियम ऑक्साइड है तो क्या करेंगे, हम उसमें फूक मारेंगे, अगर फूक मारने के बाद वो सब्सटेंस वाइट कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स वो जो है वो हमारा क्या था, वो हमारा क्विक लाइम या फिर लाइम था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब हमारी बॉडी में जो फूड वाला केस है वो क्या होता है आपका, वो एक तरीके का बेसिकली एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल जो वर्ड है बच्चों याद रखिएगा, थर्मल का बेसिक मतलब होता है आपका हीट से। थर्मल का बेसिक मतलब किससे होता है, हीट से। तो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब भी हम किसी रिएक्शन को गर्म करें या फिर रिएक्शन को हीट करें सब्सटेंस तोड़ने के लिए, जब हीटिंग करके डिकम्पोजिशन होगा तो वो डिकम्पोजिशन कहलाएगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए।
एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। तो ये था हमारा पोटेशियम क्लोरेट, तो उसको हीट करेंगे हम किसमें, MnO2, और उसको क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस होगी क्या होगी, ये होगी डीकम्पोजिशन और थर्मल डीकम्पोजिशन होगा यहाँ पे। ये जो बनेगा पोटेशियम, KCl क्या होता है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड, और O2 तो आपको पता है, O2 क्या होता है आपको, ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। अगला है 2FeSO4, तो ये है हमारा फेरस सल्फेट, और ये किस कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का, और ये बना देगा आपका Fe2O3। Fe2O3 क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड, और ये जो कलर होगा आपका, ये होता है ब्राउन कलर का। कलर क्यों लिख रहा हूँ, कि कलर भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। कई बार आपके क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हेन फेरस ऑक्साइड इज हीटेड, जब उसको हम हीट करेंगे, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि कौन सी प्रोसेस हो सकती है। एक प्रोसेस जाएगी आपकी डिकम्पोजिशन या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन, कैसा, कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कि व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो क्या बनेगा, जब फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इट विल कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो फेरस सल्फेट को हीट करने का सब्सटेंस बनेगा उसका कलर क्या है, तो तीन क्वेश्चन है, बाकी सात बाय प्रोडक्ट है। SO2 क्या होगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा आपका, ठीक है। अगला बात करते हैं PbNO3 का होल्ड प्राइस क्या होगा, ये होगा आपका लेड नाइट्रेट, और ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, लेड ऑक्साइड। और बच्चों ये जो होता है आपका, ये कलरलेस होता है, ये थोड़ा सा येलो कलर का होता है, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कलर भी ध्यान रखिएगा। NO2 आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 आपको ऑक्सीजन, बाकी दो तो आपको पता ही है, सिंपल नहीं है। H2O को क्या करते हैं हम, जब हीट करेंगे, और यहाँ पे याद रखिएगा, ये यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस बदल जाती है, ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे तो डीकम्पोजिशन था, ये प्रोसेस कौन सी हुई, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ तक हम क्या कर रहे थे, हीट करके तोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम तोड़ेंगे इसको, इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर आप इसको क्या सकते हैं, डीकम्पोजिशन। बेसिकली टूट ही रहा है, लेकिन फूड किसकी हेल्प से रहा है, इट इज डीकंपोजिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड। तो NaCl भी है यहाँ पे, NaCl क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, ये कि मोल्टन फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे क्या बना देगा आपका, ये सोडियम मेटल बना, ठीक है। यहाँ पे भी जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिस, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। अगला है 2AgCl, ADCl क्या होता है आपका, AG होता है आपका सिल्वर, और Cl होता है आपका क्लोराइड। यहाँ पे क्या बना देगा, ये बना देगा आपका सिल्वर मेटल, और यहाँ पे भी नीचे भी क्या है, सिल्वर मेटल, और ये किस कलर का होता है आपका, ये होता है आपका ग्रेइश व्हाइट कलर, ठीक है। सिल्वर आपको पता ही होगा, चांदी जो हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सिल्वर क्लोराइड होगा, इसको जब हम तोड़ेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइम, तो यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन होगा वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा। सिमिलरली AgBr भी क्या होगा आपका, लाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज होगा, ठीक है बच्चों। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ये वाले जो हमारी रिएक्शन थी, बेसिकली ये हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है बच्चों।